दिस इज़ राइटर्स रिचा निमेशवरी एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेल्दी रहने के लिए या परफेक्ट बॉडी पाने के लिए हमें प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी हम अपनी डिजायरेबल बॉडी को अचीव कर पाते हैं। हम सिक्स पैक एब्स पाने के लिए कितनी जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, पर जब हमारा वेट रिड्यूस होने लग जाता है तो हमारे फेस पर एक पफीनेस, एक ब्लोटिंग काइंड ऑफ थिंग दिखती है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि हम क्या करें, किस तरीके की एक्सरसाइजेस करें, क्या फॉलो करें जिससे हमारे चेहरे का ग्लो जो है बना रहे एंड प्रॉपर टोनिंग दिखे। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब जो है मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक फेस योगास जो आप फॉलो करेंगे तो आपके स्किन का ग्लो बढ़ेगा, आपके फेस का ग्लो बढ़ेगा, प्लस उनकी प्रॉपर टोनिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के पहले फेशियल योगा में हम बताएंगे फॉरहेड्स के ऊपर। सो जो फॉरहेड्स के रिंकल हैं उनको क्योर करने के लिए आपको इस तरीके से अपने हाथ को करना है, विश बनाना है एंड उसे इस तरीके से पुल करनी है। आप इसे 4 टाइम्स करेंगे इस प्रोसेस को एंड जब आप इसे कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके फॉरहेड पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा एंड छोटे छोटे रिंकल्स जो हैं वो कम होंगे। दूसरे योगा फेशियल योगा में हम आपको बताएंगे पफी आईज। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपके आईज के अराउंड एक पफीनेस रहती है, एक स्वेल्ड अप रहता है, तो वो ठीक करने के लिए आप ये वाला योगा कर सकते हैं। आप ये योगा कर सकते हैं, आपको करना है अपने फिंगर्स को इस वी शेप में लेना है एंड अपने आईज के पास रखना है एंड इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। इसे डाउनवर्ड नहीं करेंगे, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। इसको भी आप जो है कम से कम 4 से 5 बार करें, इससे आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे प्लस आपके आईज के अराउंड जो पफीनेस है वो भी कम होगी। इवन आपके आईज के पास एजिंग जब स्टार्ट होती है एंड थोड़े थोड़े रिंकल्स दिखते हैं वो भी कम होंगे। तीसरे योगा में आपको चीक्स के अराउंड जो डलनेस रहती है या जो एकदम सकदम चीक्स हो जाते हैं उनको बेटर करने के लिए मैं आपको योगा बताऊंगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एयर जो है सक करनी है माउथ में एंड एयर बबल को राउंड करना है फेस के। आइए देखिए, प्रोसेस भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं एंड इसे कंटिन्यूस करते रहने से आप नोटिस करेंगे आपके फेस के जो चीक्स मसल्स हैं की एक्सरसाइज होगी एंड वो ग्लो करेंगे। आपकी जो बुकल फैट जो आप नोटिस करते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो आपका जो फेस है जो बड़ा दिखता है या जो ब्लोटर दिखता है वो परफेक्ट शेप में दिखने लगेगा, उसकी प्रॉपर टोनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज का फोर्थ योगा जो फेशियल योगा है वो है फॉर द डबल चिन। बहुत कॉमन इश्यूज है डबल चिन का, उसे कम करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो योगा है वो है आपका सीलिंग केस। यानी कि आपको अपने नेक को, अपने फेस को सीलिंग के साइड फेस होल्ड करना है एंड किस या पाउट आपको बना के पाउट का जो कंडीशन है उसको होल्ड करना है, सो दैट आपके सारे मसल्स में जो है एक स्ट्रेंथन क्रिएट होगा एंड जो भी आपका डबल चिन रहता है जो आपके ये सारे मसल्स पुल होंगे एंड ये फैट आपका रिड्यूस होगा। का जो हमारा फिफ्थ फेशियल योगा है वो है फॉर द रिंकल्स। फेस के अराउंड, लिप्स के अराउंड आपने छोटे छोटे लाइनिंग्स अगर नोटिस किए हैं तो ये एजिंग के साइन होते हैं एंड आज के इस फेशियल योगा में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इन लाइंस को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको अपने कॉन्ट्योर लाइन को पुल अप करना है, आपको इस तरीके से जो है अपना फिंगर करना है एंड उसको ऐसे नोज के अराउंड रख के अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आप इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे, आप सिर्फ सर्कुलेशन को
ऊपर की तरफ रखेंगे, इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चैनलाइज होगा एंड आपके जो भी रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जो कॉन्ट्योर लाइन को रीडिफाइन करने के लिए आप ये वाले फेशियल योगास कर सकते हैं। इन टिप्स को आप रेगुलर बेसिस पर अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से आप रेगुलर जिमिंग, एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं फॉर द ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए, उसी तरह आप रोज़ाना ये फेशियल योगास भी करें ताकि आपकी जो फेस है उस पर प्रॉपर सर्कुलेशन हो, ग्लोटिंग कम हो एंड आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप इन्हें इन योगास को फॉलो करें एंड हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये योगास कैसे लगे, कितने हेल्पफुल रहे ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने के लिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।